गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। छठ महापर्व आपका अच्छा गुजरा होगा। तो बैक टू स्टडी, चलिए शुरू करते हैं हम अपना मैथ का प्रैक्टिस सेट जो बिहार एसएससी के लिए है। लेकिन ये आपको काम है कि एसएससी बैंक या जहाँ भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है किसी सम बहुभुज में। सम बहुभुज क्या होता है? एक बहुभुज जिसकी कई सारी भुजाएं हों और सब बराबर भुजा हो, ठीक है। तो किसी सम बहुभुज में जिसके आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग 7/2 है। देखिए आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग होता है आपका, आंतरिक कोणों और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ कितना दिया है? 7 × 2 = 9, 9x = 180। 9 से कटेगा 20 बार में, x = 20 आ जाएगा, यानी बाय कोण है 40 डिग्री। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो सम बहुभुज की कुल कितनी भुजाएं हैं? देखिए अगर पूछे भुजाओं की संख्या सम बहुभुज की, तो 360 डिग्री में बाय कोण से एक बाय कोण से डिवाइड कर दीजिए। 40 से कितना बार में कटेगा? 9 बार में। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 9 भुजाएं, यानी उस समबहुभुज के 9 भुजाएं होंगी, तब बाय कोण क्या होगा? 40 डिग्री। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 24% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए? देखिए एक दुकानदार है, प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस जो होता है, जैसे आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो आप देखते हो उसका मार्क्ड प्राइस क्या है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसी प्राइस पे मिले, हो सकता है उससे कम भी मिलता है। देखिए दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, लाभ कितना कमाना है उसको? 24%। यानी अगर मूल्य 100 रुपया है, मान लीजिए सीपी 100 रुपया है, तो उसको कमाना कितना है? 124 में बेचना है, यानी 124 हो गया, 124 में बेच रहा है। अब देखिए 124 जो है वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद है। 20% की छूट मतलब 20% = होता है 1/5, और छूट मतलब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। यानी ये अगर 4 है तो मार्क्ड प्राइस कितना है? मार्क्ड प्राइस 5 होगा। 4 से काटिए, 4 × 3 = 12, 31 × 5 आपका हो जाएगा 155। 155 100 से कितना परसेंट ज़्यादा है? देखिए 155 100 से कितना परसेंट ज़्यादा है? यहाँ 55 ज़्यादा है, और 100 से अगर 55 ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है 55% ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 3 क्रमागत बट्टों 20% 15% तथा 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? देखिए 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, इसको 5 से 4 लिखते हैं, ठीक है। 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 3/20, ठीक है। इसको 20 में से 3 घटाएंगे तो 20 से 17 हो जाएगा, ठीक है। अब 10% है, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, तो 10 से 9 हो जाएगा। इसको काटी, 4 × 5 = 20 कटेगा, ठीक है। 25 × 250 और 19 × 7 करने से आपका आएगा 153 आएगा, माफ़ कीजिएगा 153। तो कितना छूट दिया गया है? देखिए 250 में 153 कितना छूट गया है? 250 था, अब कितना हो गया? 153। तो छूट कितना कर दिया गया है? छूट दिया गया है 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है, और 24 में से 5 15 जाएगा, 9 बचेगा। तो 97 रुपये की छूट दी गई 250 पे, 97 रुपये की छूट दी गई है 250 पे। कितना परसेंट हो जाएगा? 25 से 10 बार में, 25 × 100 28 × 8 2 और 9 × 36 2 38। कितना की छूट दी गई है? 38.8%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 38.8%। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए 3 का पावर 81 + 3 का पावर 82 + 3 का पावर 83 + 3 का पावर 84 + 3 का पावर 85 निम्नलिखित में किस अभाज्य संख्या से विभक्त होगा?
देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे छोटा वाला छोटे वाले को कॉमनली कितना कॉमन है, 3 के पावर 81 लीजिए इसको, 81। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 3 का पावर 82 में 3 का पावर 81 कॉमन नहीं है तो क्या बचेगा, 3 का पावर सिर्फ 3 बचेगा, 1 बचेगा, तो 3 का पावर 1 3 होता है। यहाँ देखिए, यहाँ 3 का पावर 0 बचता क्योंकि 3 का पावर 81 कॉमन ले लिए, तो 3 का पावर 0 कितना होगा, 1 प्लस, यहाँ 1 3 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस यहाँ 3 का पावर क्यूब बचेगा, 81 चला जाएगा, बचेगा 3, 3 का पावर 3 क्या होगा, 27, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 3 का पावर 4 बचेगा, 3 का पावर 4 कितना होता है, 81। ऐड कीजिए सबको, 3 1 4 9 4 13 13 27 13 27 कितना होता है, 40 41 121। तो आया कितना, 3 का पावर 81 × 121। अब देखिए 121 किससे डिविजिबल है, 7 से है बिल्कुल नहीं है, 17 से है बिल्कुल नहीं है, 19 से है बिल्कुल नहीं है, 11 से है, हाँ देखिए ये 11 का स्क्वायर है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, 11। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 5 से विभाज्य लगातार 5 संख्याओं का योगफल 165 है, ठीक है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए 5 से विभाज्य है, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 1 x, ठीक है, 5 से विभाज्य है तो x प्लस 5 होगा लास्ट नंबर, अगला नंबर, उसके बाद प्लस करते जाओ, x प्लस 10 होगा, 5 5 का गैप होगा सब में, x प्लस 15, x प्लस 20, आगे 5 नंबर, 1 2 3 4 5, टोटल ऐड कीजिए, 5x प्लस 20 10 30, 15 5 20 यानी 50, टोटल कितना आया, 5x प्लस 50 का योगफल कितना है, 165 = 165। सॉल्व कीजिए, 5x 50 उधर जाके माइनस होगा, 165 में से 50, 115 होता है, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5 × 10, 5 × 3 = 15, x बराबर 23। पूछ क्या रहा है, x बराबर 23 आया, पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या थी x प्लस 20, इसमें 20 ऐड कीजिए, 43, और सबसे छोटी संख्या कितनी थी, 23, सबसे छोटी संख्या x थी, 23 आ गई, इसको घटाइए, 20 कहाँ है आपका, ए में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस ए 1/x बराबर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। देखिए ये फॉर्मूला है, इसका होल स्क्वायर कीजिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab होता है तो 2 × x × 1/x = इधर भी a स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² = a² = a² माइनस, यहाँ पे प्लस 2 था तो इधर माइनस 2 हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, a² - 2 का है आपका a में, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामू के पास 200 खिलौने हैं, ठीक है, रामू के पास 200 खिलौने हैं, उसे दिवाकर को 10%, ममता को 20% और एक दिहाई खिलौना करण को दे दिया, वितरण के बाद रामू के पास कितना खिलौना बच गया। देखिए 200 का 10% वो ममता को, तो 200 का 10% कितना होगा, 20 प्लस 200 का 20%, 200 का 20% कितना होगा, 40 प्लस एक दहाई, 200 का 1/2 कितना होगा, 20, फिर से
खिलौना दे दिया है। तो 20, 40, 60, 20, 80, 80 खिलौने उसने दे दिए। अब 200 में से 80 जाएगा, 200 में से 80 खिलौने उसने बांट दिए, तो उसके पास कितने बचे? 120। यहाँ आपका डी ऑप्शन, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6.5 × 4.7 + 6.5 + 5.3 / 1.3 × 7.9 - 1.3 × 6.9 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि ऊपर 6.5 दोनों में कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 4.7 + 5.3, ठीक है, बट्टा में इसमें 1.3 दोनों में कॉमन है, 1.3, 7.9 बचेगा, माइनस में बचेगा 6.9 = 6.5 गुना, देखिए कितना ऐड कीजिए, 5 × 4 = 9 + 7 = 10, यानी ये 10 आ जा रहा है। तो 6.5 × 10 = 65 = 7.9 और 6.9 है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 1.3 यहाँ रह जाएगा। इसको काटिएगा, 13×65 यहाँ पॉइंट था, तो 10 ऊपर चली जाएगी, 50 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया आपका? 50। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केशव ने हिंदी में 59 अंक, गणित में 72, विज्ञान में 50, अंग्रेजी में 73, समाजशास्त्र यानी सृष्टि 71, सोशोलॉजी में 71 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितना है? 100 है। कितने विषय हैं? देखिए हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, 5 विषय है, यानी टोटल कितना हो गया? 500 नंबर का एग्जाम था उसका। प्राप्त कितने किए? 59, 69, 72, 50, 73 और 71। ऐड कीजिए सबको, 9 × 2 = 11, 11 × 3 = 14, 14 × 1 = 5, 7 = 1, 7 × 5 = 12, 12 × 5 = 17, 17 × 7 = 24, 24 × 7 = 31, 31 × 1 = 325, यानी 500 में 325 अंक प्राप्त किए हैं। कितना परसेंट होगा? × 100, 2 × 0 = 2, 5 × 5 = 36, 6 × 25, यानी टोटल 65% अंक केशव को मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 8 पेन और 4 पेंसिल की कीमत 180 रुपये है, ठीक है, और एक पेन की एक चौथाई कीमत एक पेंसिल की कीमत के समान है। तो पेन की जो कीमत होगी = 4 पेंसिल उसी में आ जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको याद रखिएगा, पेन = 4 पेंसिल। देखिए 8 पेन + 4 पेंसिल = 180। इस 4 पेंसिल की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 पेंसिल जो था वो एक पेन जो था वो 4 पेंसिल के बराबर था। यहाँ लिख सकते हैं एक पेन, क्योंकि एक पेन का दाम 4 पेंसिल के बराबर था, तो 8 × 9 पेंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 9 पेन हो जाएगा, 9 पेन = 180। पेन का कीमत क्या हो जाएगा? पेन का कीमत हमें निकल गया 20, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, 10 पेन और 15 पेंसिल की कुल कीमत क्या होगी? अगर एक पेन की कीमत 20 है और एक पेन में 4 पेंसिल आ जाती है, तो पेंसिल की कीमत क्या होगी? 4 से डिवाइड कीजिए 5, यानी पेंसिल की कीमत कितना आई? 5। पेन की कीमत 20, 10 पेन का कीमत क्या होगा? 200 + 15 पेंसिल की कीमत, 15×6 = 75, टोटल कितना आया? 275। कहाँ है आपका ऑप्शन? सी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3000 के मूलधन पर 5 वर्ष में एक व्यक्ति को 1950 का साधारण ब्याज किस दर से मिलेगा? तो दर बराबर फार्मूला क्या होता है? दर बराबर होता है ब्याज × 100 / मूलधन × समय,
ऐड कीजिए वैल्यू, प्याज है कितना 1950 इंटू 100 बटा में मूलधन कितना है 3000 इंटू समय, समय कितना है 5 वर्ष, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से यहाँ एक जीरो कैंसिल, पाँच थी पंद्रह पर 9 45 39 बार में, अब 3 से 13 बार में। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 86 बोलता है 3000 के मूलधन पर 5 वर्ष में एक व्यक्ति को 1950 रुपये का साधारण ब्याज मिला। देखिए तो दर पूछ रहा है, दर बराबर फार्मूला क्या होता है, दर बराबर फार्मूला होता है SI, SI मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई में मूलधन, मूलधन को प्रिंसिपल लिखा जाता है इंटू टाइम। अब टाइम तो पता ही होगा आपको क्या होता है, SI 1950 इंटू क्या है 100 इंटू, देखिए प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 3000, ये स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, मूलधन वाले प्रिंसिपल हैं, और टाइम टाइम कितना है 5 साल। देखिए ये दो जीरो से ये दो जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, 5 से काटिए, 5 से 5 किए 15 पर 9 45 5 से कटा, 3 बचा, 3 से 13 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 13%। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है 4 लड़का एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो 15 लड़का उसी काम को कितना दिन में करेगा, 4 दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है आयत की परिमाप क्या होगी, यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है जो उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो 15 माइनस 6 9, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई 9, परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 15 प्लस 9 24, 24 दुना 48। होते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 से यदि अंतिम 2 संख्या निकाल दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 1 से तो अंतिम 2 संख्या निकाल दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा, औसत परिवर्तन जो है वो हो जाता है 1 घट जाता है, क्या हो जाता है 1 घट जाता है। आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, 7 क्रमागत संख्या है, इसका औसत कितना होगा 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 25 2 26 सॉरी 25 2 27 1 28 28, 7 अंक है, 4 हो गया औसत, मतलब x बराबर 4 अगर मान लें तो आप 2 संख्या घटा दीजिए, 13 हटा दीजिए, तो 28 में से 13 जाएगा, तो बचेगा आपका कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक है 15 बचेगा, कितना संख्या है 5 3। देखिए औसत में कितना का कमी आया है 1 का, आंसर कहाँ है आपका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए एक हॉर्स है जो 3 समान दूरियों को पी क्यू और आर से तय करता है, तो औसत चाल पूछा है, औसत चाल है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी कितना है, कुल दूरी 1 तय करता है 1 1, यानी 3 है, कैसे तय करता है पी से दूरी बटा चाल होगा तो समय निकलेगा, प्लस 1 बटा क्यू प्लस 1 बटा आर, इसका एलसीएम लीजिए पी क्यू आर, यहाँ क्या हो जाएगा क्यू आर प्लस आर पी प्लस पी क्यू, पी क्यू आर ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 पी क्यू आर, कहाँ है आपका ऑप्शन 3 पी क्यू आर बटा क्यू आर प्लस आर पी प्लस पी क्यू, आपका ऑप्शन है सी। देखिए ऑप्शन सी में ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या से सी से क्रमशः 25% और 30% कम है, 2 संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या सी से 25%, सी मान लेते हैं हम 100, बी कितना कम है, बी कम है 30%, यानी सी में 100 में 30% कम कीजिएगा 70 आ जाएगा, ए कितना कम है, ए कम है 25%, तो ए में 100 में 25% कम कीजिएगा तो 75 आ जाएगा,
पूछ क्या रहा है, संख्या बी संख्या ए से कितना परसेंट कम है? संख्या बी कितना कम है? 5 कम है, कितना में? 75 में, 75 बटा 5 इंटू 100, परसेंटेज निकालना है हमको, तो इंटू 100, 5 से 75 कितना बार में कटेगा? 15 बार में, तो 100/15, 100/15 आपका आता है 6.2/3%। देखिए 6×3=18, 2×20/3 आता है, यहाँ भी काटिएगा तो आपका आ जाएगा 3×20। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू 7:3 है, तो पी क्यू माइनस क्यू क्यू का मान कितना होगा? देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो ये दोनों कटेगा, 2p बचेगा, 2p इक्वल टू 7×3=10, पी बराबर 5 आया। अब अगर p 5 है तो q 2 आएगा, तो p का q कीजिए, 5 का q 125 माइनस q का q 2 का q 8 घटाइए, कितना बचेगा? 117। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि रमेश के वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है तो श्याम अपने पूर्व वेतन का 150% हो जाता है। देखिए रमेश के वेतन का 30%, मान लीजिए रमेश का वेतन 100 है, उसका 30% 30 रुपया किस में जोड़ा जाता है? श्याम में, तो पूर्व वेतन का कितना परसेंट हो जाता है? 150%। उसका जो भी वेतन होगा पहले से तो अपने आप का 100% होगा, कितना बढ़ा? 50%, मतलब 30 जो बढ़ाया उस 50% के बराबर है, तो वेतन कौन सा था? शुरू का वेतन कितना होगा? 50×100 यानी 60 रुपया इसका वेतन होगा। अब कितना हो गया? 30 और ऐड हुआ तो 90 रुपया हो गया। ऑप्शन क्या बोल रहा है? रमेश का वेतन ग्रेटर देन श्याम का वेतन, रमेश का वेतन कितना था? 100, श्याम का वेतन 60 रुपये, तो ये तो सही है। दूसरा है श्याम का वेतन और ग्रेटर देन रमेश का वेतन, गलत है, दोनों सत्य हैं, गलत है, आंकड़े अधूरे, ये भी गलत है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 के दो भाग इस प्रकार किए जाते हैं कि पहले भाग का 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना मिलकर 146 हो जाता है। मान लीजिए पहला भाग x है, x का 7 गुना 7x तथा दूसरे भाग का 5 गुना, अगर एक भाग x है तो दूसरा भाग क्या होगा? 24-x, इसका 5 गुना मिलकर कितना हो जाता है? मिलकर हो जाता है 146। सॉल्व कीजिए, 7x प्लस 24×5 120 माइनस 5x इक्वल टू 146, 7 में से 5 जाएगा 2x, 120 इधर प्लस में है उधर जाके माइनस होगा, तो इधर के अंदर बचेगा 146 माइनस 120 कीजिएगा बचेगा आपका 26। एक्स बराबर क्या आएगा? एक्स बराबर आएगा आपका 13। तो पहला भाग पूछ रहा है, पहला भाग एक्स मान लेते हम लोग, पहला भाग हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, इसका लसा 80 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? अगर संख्या ही 4:5 होती तो इसका एलसीएम कितना होता? 20, लेकिन एलसीएम कितना बताया? 80, यानी 20 जो है वो 80 है, तो संख्याओं का योग पूछा है, 4, 5, 9, 20 चौके 80, 9 चौका 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी, कितने औसत आयु थी? 20 वर्ष 3 व्यक्तियों के, यानी 60, 5 वर्ष पहले की बात है, तो अब 5 वर्ष बाद क्या होगा? अब देखिए तीनों व्यक्तियों को 5-5 एज बढ़ा होगा, +5+5+5 तो 15 बढ़ा होगा, 75। अब देखिए एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहती है जो 5 साल पूर्व थी, 5 साल पूर्व कितनी औसत थी? 60, अभी भी वही रहती है लेकिन अब एक बच्चा भी है, यानी 4 लोग हो गए, तो सॉरी औसत आयु 20 थी ना, तो 80 हो गई, 4 लोग हो गए, तो टोटल एज कितना है 3 व्यक्तियों का? 75, तो 80 में से 75 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 5 क्या हो गया? ये हो गया बच्चे का एज, बच्चे की आयु क्या है? 5 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मजदूरों का औसत 30 है, 15 या 45 प्लस प्रथम 8 मजदूरों के मजदूरी का औसत 35 है। प्रथम 8 35 × 8 35 × 70 128 280। और अंतिम 8 मजदूरों के मजदूरी का औसत 25 है, 25 × 8 कीजिए, 25 × 8 200। तो आठवां मजदूर का मजदूरी क्या है? देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, कितने हो गए 16। कितने मजदूर हैं? 15, यानी एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो 280 प्लस 200 480, ठीक है, 280 प्लस 200 480 होता है, टोटल है हमारे पास 450। अभी कितना आया, एक मजदूर की एक्स्ट्रा बढ़ा है 480, यानी कितना बढ़ा 30, 480 - 450 30। तो आठवां मजदूर का मजदूरी क्या है? आठवां मजदूर का मजदूरी यही हो जाएगा 97 का ए ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि लॉग ए रूट थ्री है, लॉग ए रूट थ्री इक्वल टू 1/6, तो ए का मान बताइए। देखिए ए का पावर 1/6 करते हैं इक्वल टू रूट थ्री, तो ए बराबर क्या होगा, रूट थ्री का पावर 6 हो जाएगा। अब लिखिए रूट थ्री कितने बार, 6 बार, एक पूरा लिख लीजिए, इंटू रूट थ्री 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 14 है तो 3, तो 3 × 3 × 3 3 × 3 9 = 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रकार के पेंट, दो प्रकार के पेंट हैं जिसकी कीमत क्रमशः 20 रुपये प्रति लीटर और 15 रुपये प्रति लीटर है। इन दोनों पेंटों को 3:5 में मिश्रित करने के उपरांत नए मिश्रित पेंट की कीमत क्या होगी? पहला पेंट की कीमत है 20, कितने लीटर मिलाया गया 20, यानी टोटल 60 रुपये प्लस। दूसरे पेंट की कीमत है 15 रुपये, कितना लीटर मिलाया गया 5 लीटर, यानी 15 × 75 60 × 75 कितना होता है 7 × 6 = 13 = 135। टोटल कितना लीटर हुआ 8 लीटर, लाभ कोई लिया नहीं गया है तो 8 × 8 = 48 बचा 7, तो 88 = 64 16.8। देखिए डी ऑप्शन। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त से 14 गुना अधिक है। यदि लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक का योग 1425 है तो उनमें से एक संख्या 350 है तो दूसरी संख्या क्या आती है? देखिए लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक से 14 गुना अधिक है, यानी अगर HCF x मानते हैं तो LCM कितना हो जाएगा 14x। दोनों का योग कितना बोला है 1425, यानी 15x = 1425, x बराबर क्या होगा 15 × 9 = 135 बचा 7, 15 × 75 = 75, यानी x बराबर आ गया 95। अगर x 95 है, HCF 95 है तो LCM कितना हो जाएगा 95 × 14। अब एक संख्या कितना बोला है 350, तो डिवाइड कीजिए दूसरी संख्या मिल जाएगी। देखिए 95 से 350 ट्रिवियल है क्या? नहीं है, तो 7 से करते हैं, 7 × 14 7 × 50 = 5 × 10 × 5 × 19 × 5 × 2 × 5 × 19 × 2 2 से 2 कैंसिल 19 × 19 कितना हो जाएगा 361, 19² = 361, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 361। चलिए वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा दिया हुआ सलूशन कैसा लगा, और पढ़ाई अब कंटिन्यू रखिएगा। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।